शहरातील फोर्ट रोडवरील मशिदी समोर असणाऱ्या मुख्य रस्त्यावर कमीत कमी 8 फुटाचा खड्डा झालेला निदर्शनास आला आहे. इतकेच नसून या 8 फूट निर्माण झालेल्या खड्ड्यामध्ये पोकळी निर्माण झाल्याचे चित्र दृष्टीस येत आहे. रस्त्याच्या मधोमध हा खड्डा निर्माण झाल्याने येथून रहदारी करणाऱ्या नागरिकांना या रस्त्यावरून प्रवास करताना जीव मुठीत घेऊन जावे लागत आहे. या अशा अचानक निर्माण झालेल्या खड्ड्याकडे पाहून महानगरपालिकेकडून या रस्त्याचे कामकाज कशा पद्धतीने व किती दर्जाचे झाले आहे हे यावरून स्पष्ट दिसून येत आहे. याबद्दल येथील स्थळीय नागरिकांनी आपला आक्रोश व्यक्त केला आहे. मेरा डेली का रोटेशन आहे आना जाना इधर पे, और ऐसे बड़े बड़े खड्डे पड रहे यहाँ, इतने बड़े बड़े खड्डे पड़ रहे, 7 फुट 8 फुट के खड्डे पड़ने लगे हैं. इसकी जिम्मेदार कौन? रात में रात आते ही स्पीड में आते हैं जाते ही रहते हैं. हाँ, बड़े बड़े गाड़े आते हैं, लोडिंग लोडिंग गाड़े आते हैं. हाँ, यो कल रात में वे दोपहर में वे अभी तक इन्हें एक्शन लेने में चाहे ना, अभी तक क्लियरेंस नहीं कहना है. एक वो सब हमें लाखों बंदे सब ही हो, कम से कम 7-8 फुट है, वो 7-8 फुट है. और हमें लेकर को बंदे हैं, इन्हों क्या आगो देखने का भी नहीं, क्या भी नहीं. संडे पब्लिक कम रहती है, संडे आगो तो करना, आगो वो भी कर रहे नहीं, खाली पैसे खाने का होता दिखता है इन्हों. दूसरा क्या नहीं है, काम ही नहीं है इनको, खाली पैसा खाओ लोग बच्चे. और बोलते हैं हमें लोगों को ऐसा करे, हमें लोगों को वैसा करे, क्या अभी तक क्या करने में चाहे, लोग भीख मांगने लगे लोग यहाँ. कहाँ देखें वहाँ खड्डे, उधर भी खड्डे है इधर भी खड्डे है. मेरा नाम पैसे का, इधर से मेरा डेली का आना जाना है. इधर हमारा दुकान है. कल लगभग 12 बजे के बीच में खड्डा पड़ा, एक खाली ट्रक जाने की वजह से खड्डा पड़ा. तो कॉरपोरेशन वाले क्या कर रहे, डेली आना जाना रहता, ट्रक बहुत स्पीड में रहता है रात में. या रस्त्यावर वाहन धारकांची मोठी वर्दळ असून या निर्माण झालेल्या पोकळीमुळे हा रस्ता कधी कोसळेल याची भीती नागरिकातून निर्माण झाली आहे. येथील स्थळीय नागरिकांकडून असे सांगण्यात येत आहे की या रस्त्याखाली पोकळी निर्माण झाल्याने कोणताही अनुचित प्रकार घडण्याऐवजी त्वरित महानगरपालिकेने याकडे लक्ष देऊन हा रस्ता दुरुस्ती करण्याला अधिक प्राधान्य देणे गरजेचे आहे.